नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास सिक्स एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हर्बीबोर्स, कार्निबोर्स, ओमनीबोर्स की डेफिनेशन देखी थी और टेस्ट देखे थे स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, उनका सोर्स क्या है और उनकी कमी से कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। आज हम दोस्तों पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं हमें प्लांट या किसी एनिमल से, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब अगर दोस्तों पूछा जाए कि कौन से दो नेचुरल फाइबर का कोई नाम बताओ जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो कॉटन हो गया और जूट फाइबर, ये दोनों नेचुरल फाइबर है और प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूट फाइबर कहाँ से मिलता है। जूट फाइबर जो मिलता है वो स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलता है। और एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर में कौन से फाइबर आते हैं, वूल आता है और सिल्क फाइबर आते हैं, ये दोनों एनिमल फाइबर हैं। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है कि वूल फाइबर किससे ऑब्टेन होता है, तो वूल फाइबर ऑब्टेन होता है सीप और गोट से, लेकिन ज्यादातर किससे ऑब्टेन होता है, मोस्टली ये ऑब्टेन होता है, मोस्टली ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीप। क्वेश्चन में ज्यादातर आपको सीप ऑप्शन देखने को मिलेगा, वूल फाइबर ऑब्टेन होता है सीप और गोट दोनों से, लेकिन ऑब्टेन होता है ज्यादातर सीप से। सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है ककून ऑफ द सिल्क वर्म से, किससे ऑब्टेन होता है, ककून ऑफ द सिल्क वर्म से। अब हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल से। अब हम आते हैं सिंथेटिक फाइबर पे। सिंथेटिक फाइबर ये जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उससे बनते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसका एग्जाम्पल नाइलॉन हो गया और पॉलिएस्टर हो गया, ये दोनों सिंथेटिक फाइबर हैं। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं। दोस्तों साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि एक ग्लास है, उसमें आपने मान लो ये कोई ग्लास है, इसमें आपने यहाँ तक वाटर लेबल रखा है और इसमें कुछ कंक्रीट, इसमें कुछ कंक्रीट और धूल के पार्टिकल हैं। अब इस ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। पहले आप देखेंगे ये कंक्रीट और ग्लास में जो धूल के कण हैं ये बहुत अनडिस्टर्ब अवस्था, मतलब ये तैर रहे होते हैं। अगर इस ग्लास को आप थोड़ी देर बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी तली में ये कंक्रीट और धूल के कण जो है वो बैठ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, मतलब व्हेन हैवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेटल डाउन हो जाए आफ्टर वाटर एडिंग, तो उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। अभी हमने बताया कंक्रीट और कुछ जो धूल के पार्टिकल थे वो बैठ गए जमीन पे, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अभी जो पानी बचा इसको बिना डिस्टर्ब किए इन कंक्रीट और धूल के कण को आराम से निकाल लिया जाए, तो इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, इसी को कहते हैं डिकेंटेशन, इसी को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। अब हम इसके आगे वाली डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन होता है दोस्तों वाटर का कन्वर्जन हो जाए वाटर वेपर में, इसे इवोपरेशन कहते हैं। ये एक इवोपरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। जो हम अपने धूप में कपड़े सुखाते हैं, हमारे कपड़े आप लोग देखते होंगे कि अगर बहुत ड्राई इन्वायरमेंट है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, या हवा तेज चल रही हो तो भी हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, मतलब उस समय इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है आसानी से। अब दूसरी डेफिनेशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि गैस का लिक्विड में बदल जाना ही कहलाता है कंडेंसेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, वो कई बार पूछी जा चुकी हैं। सॉलिड है,
सॉलिड है, सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? फ्यूजन, फ्यूजन। और लिक्विड का सॉलिड में बदलना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विड का गैस में बदलना वेपोराइजेशन कहलाता है। और गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंडेंसेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू द लिक्विड, ये कहलाता है कंडेंसेशन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं वो बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और अगर गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन। उसे डिपोजिशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पांचों छह डेफिनेशन। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, हर्ब क्या होते हैं? दोस्तों हर्ब प्लांट जो ग्रीन होते हैं, इनका टेंडर स्टेम होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। वीट हो गया, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, इसके एग्जाम्पल। आपने गेहूं का पौधा देखा होगा और धान का भी पौधा देखा होगा, वो पौधे बहुत छोटे होते हैं, उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये हर्ब है, इसका देखिए पौधा कितना छोटा है और इसके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, श्रब क्या होते हैं? श्रब वो प्लांट होते हैं जिनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये सारी ब्रांचेस बेस ऑफ स्टेम के करीब होती हैं। इसका स्टेम बहुत हार्ड होता है लेकिन बहुत थिक नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया रोज हो गया, इसका लिमन हो गया, पोमग्रेनेट मतलब अनार का पेड़। आप ये देख रहे होंगे, ये श्रब है, श्रब है। इसमें देख रहे होंगे जितनी भी ब्रांचेज हैं, मैक्सिमम ब्रांचेज, ये सब कहाँ से जा रही है? ये सब जा रही है बेस ऑफ द स्टेम से, बेस ऑफ द स्टेम से। इसका जो ये स्टेम है वो बहुत हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटाई में बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। अब हम ट्री की बात करते हैं। ट्री जो होता है बहुत टाल होता है, हार्ड भी होता है, उसके पास थिक स्टेम होती है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ट्री है, ये लंबाई में भी आप देख रहे होंगे, ये बड़ा है, ट्री बड़ा है, इसके पास थिक स्टेम भी है। स्टेम देखिए इसका, इसका एक थिक स्टेम है, टॉल है, और देखिए ये बहुत हार्ड भी है। इसके एग्जाम्पल में मैंगो ट्री हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया, ये सब ट्री के एग्जाम्पल हैं। अब तक हमने दोस्तों हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद देखते हैं क्रीपर्स कौन से पौधे होते हैं। क्रीपर्स वे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं और जमीन पे फैले रहते हैं। वो क्या करते हैं? जमीन पे फैले रहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये क्रीपर का पेड़ है, आप देख रहे होंगे क्रीपर, ये जमीन पे सारे फैले हुए हैं, ये सीधा नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि इसका स्टेम बहुत वीक होता है। इसका स्टेम कैसा होता है? बहुत वीक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन है, पंपकिन है। क्लाइंबर क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। मतलब क्लाइंबर वो पौधे होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट। आप देख रहे होंगे ये क्लाइंबर है, इसको इससे सपोर्ट दिया गया है, इस चीज से इसको सपोर्ट दिया गया है। इसके बाद ये पेड़ इस पे ऐसे ऐसे चढ़ रहा है। इसके एग्जाम्पल में आता है पी आ गया, मनी प्लांट हो गया, ये सारे पौधे क्लाइंबर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने श्रब देखा, हर्ब देखा, ट्री देखा, क्रीपर्स कौन से पौधे होते हैं और क्लाइंबर कौन से पौधे होते हैं। अब इसके बाद हम लीव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लीव्स क्या होता है? लीव्स पार्ट होता है जो अटैच होता है स्टेम से, किससे? पेटियोल के द्वारा।
और इसमें जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसे क्या कहते हैं? लैमिना। उसे क्या कहते हैं? लैमिना। आप देख रहे होंगे लीव जो है स्टेम से, ये स्टेम है, इससे अटैच है किससे? पेटियोल के थ्रू, अभी हमने बताया। और जो ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ये वाला जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ये पूरी है इसकी लैमिना। और ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, होता है क्या? ये होता है लीव्स का, ये मिड रिब होता है। ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, मिड रिब जो लीव्स में होता है, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। और मिड रिब से क्या, ये सारी बेन ये ऐसे निकली रहती है, ये सारी क्या है? ये जो निकली हुई है ये बेन, ये सारी क्या है? ये है बेन। आप देख रहे होंगे ये सारी बेन है। तो अभी तक हमने देखा कि लीव्स स्टेम से किससे अटैच होता है, लीव्स अटैच होता है स्टेम से किससे? पेटियोल के द्वारा। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का, उसे क्या कहते हैं? लैमिना। और लीव्स के पास ये प्रोमिनेंट मिडरिब होती है, ये बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसे मिडरिब कहते हैं। इसके पास देख रहे होंगे ये ऐसे ऐसे लीव्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसे बेन कहते हैं। तो अभी तक हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, अब हम इसमें देखेंगे कि वेनेशन क्या होता है। वेनेशन का मतलब अभी हमने बताया कि बेन पाई जा रही थी लीव्स में, अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेनलेट किसमें? लैमिना ऑफ लीव्स में जो होती है उसे ही कहते हैं वेनेशन। अगर ये नेटवर्क बनाए, अगर ये बेन और बेनलेट नेटवर्क बनाए तो उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। किसमें पाई जाती है? डाइकॉट प्लांट में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेटिकुलेट वेनेशन किसमें पाई जाती है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब बेन और बेनलेट क्या बनाए, ये नेटवर्क बना ले तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसको आप एक न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, डी आर, आर का मतलब रेटिकुलेट, डी का मतलब डाइकॉट प्लांट में। पैरलर वेनेशन क्या होता है? पैरलर वेनेशन में जो बेन होती हैं वो पैरलर रन करती हैं एक दूसरे के, इसलिए उसे पैरलर वेनेशन कहते हैं। ये किसमें होता है? मोनोकॉट प्लांट में। इसको याद रखने के लिए आप पीएम पीएम से याद रख सकते हैं। पैरलर वेनेशन किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट में। आप ये देख रहे होंगे एक लीव्स है, ये इसकी मिडरिप है, ये बेन है। ये आप देख रहे होंगे ये दोनों तो बेन है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये ऐसे नेटवर्क भी इसमें बना रही है, ऐसे जाल नुमा स्ट्रक्चर भी बनाती है इनके बीच में, जाल नुमा स्ट्रक्चर। तो इसे कहते हैं, ये आता है रेटिकुलेट, ये किसमें है? रेटिकुलेट वेनेशन में। और ये देख रहे होंगे ये लीव्स है, क्या आप इसको देखिए, ये एक लीव्स है, ये केवल मिडरिप प्रोमिनेंट दिख रही है, बाकी बेन जो है दिख रही है, सब एक दूसरे के पैरलर रन कर रही है। तो ये आता है पैरलर वेनेशन के अंदर। अभी हमने बताया पैरलर वेनेशन को कैसे याद रखोगे आप, पीएम, ये सब इंपॉर्टेंट है। पैरलर वेनेशन किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट में। और रेटिकुलेट वेनेशन किसमें पाया जाता है? डॉक्टर से आप याद रखोगे, डाइकॉट प्लांट में। तो हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव्स अटैच होती है स्टेम से किससे? पेटियोल के द्वारा। और जो ब्रॉड पार्ट होता है लीव्स का उसे लैमिना कहते हैं। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेनलेट इन लैमिना ऑफ द लीव्स, उसे वेनेशन कहते हैं। पैरलर वेनेशन किसे कहते हैं? अगर बेन पैरलर रन करे तो उसे पैरलर कहते हैं। वो किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट में। रेटिकुलेट वेनेशन किसे कहते हैं? अगर बेनलेट बना ले, क्या, नेटवर्क बना ले तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में। तो अभी तक हमने वेनेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लीव्स का फंक्शन पढ़ेंगे। चूंकि फोटोसिंथेसिस हम सभी जानते हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में वो लीव्स के द्वारा होता है। लीव्स प्रिपेयर करती है फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन क्या है? उस ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या है? वाटर जो होता है वो लॉस्ट होता है वाटर वेपर के रूप में। किससे? जो स्टोमेटा पाई जाती है, कहाँ? एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स में, उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो दो फंक्शन हो गए। अभी हमने बताया फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है। होता कैसे है?
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं? बनाते हैं ग्लूकोज एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस एनर्जी। तो ये रिएक्शन होती है किसकी? ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की, थेसिस की। अब हम लीव्स के बाद क्या पढ़ेंगे? रूट। रूट क्या होती है? रूट दोस्तों जो होती है, मान लो ये कोई रूट है, ये कोई रूट है, मेन रूट जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इसे क्या कहते हैं? मेन रूट, मेन रूट, मेन रूट, मेन रूट, या आप कह सकते हो इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। और इससे जो निकलती हैं रूट, इससे जो रूट निकलती हैं ये क्या है? ये है सेकेंडरी। कौन सी रूट है? ये है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट, या दूसरी भाषा में कह सकते हो लैटरल रूट। अब हम टैप रूट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टैप रूट क्या होता है? प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। अभी हमने बताया ये जो मेन रूट होती है ये प्राइमरी रूट हो गई, और जो ये ब्रांचेस होती हैं ये सेकेंडरी रूट होती है। मतलब प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। आप ये देख रहे होंगे, ये मेन रूट आई है, मेन रूट आई है, इसमें ये छोटी 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 ब्रांचेस ये ऐसे निकली हुई हैं। तो मतलब ये प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस जो हो गई वो बनाती हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट क्या है? इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, और ये जो रूट होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बेस ऑफ स्टेम से, बेस ऑफ स्टेम से ये ओरिजिनेट होती है, बेस ऑफ स्टेम से। आप देख रहे होंगे इसमें जो प्राइमरी रूट है ऐसी कोई रूट नहीं दिख रही होगी जो प्राइमरी रूट है। तो प्राइमरी रूट सब शॉर्ट लिव्ड हो गई और रिप्लेस हो गई है लार्ज नंबर ऑफ रूट। आप इसमें देख रहे होंगे कितनी सारी रूट्स पाई जा रही हैं, और ये जो सारी रूट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? बेस ऑफ स्टेम से, इसलिए बना रही है फाइब्रस रूट सिस्टम। दोस्तों अगर पूछा जाए टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, तो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड प्लांट में आप देख सकते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट में। वीट का कभी पेड़ निकालिए फिर उसमें देखिएगा कि उसमें ये फाइब्रस रूट पाई जाती है। अब हम इसके बाद हमने लीव्स पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट का फंक्शन। रूट का फंक्शन क्या है? रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है क्या? वाटर और मिनरल्स को। कहाँ से? सॉयल से। और दूसरा काम क्या करता है? एंकर करता है प्लांट को फैमिली इनटू द सॉयल। अगर ये प्लांट ना हो तो जब कभी हैवी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, चूंकि ये जो रूट होती है ये सॉयल को अपने आप से बांध के रखती है, अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो ये सॉयल जो है वहां की बह जाती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर जो होता है ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और इसके चार टिपिकल होल होते हैं। सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एसेसरी हैं, एसेसरी हैं, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर कोई प्लांट बाइकॉट होता है या कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक साथ पाए जाएं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें या तो केवल स्टेमन पाया जाए या केवल पिस्टिल पाया जाए।
तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, मतलब दोनों में से केवल एक पाया जाए। तो अभी हमने बताया फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। सेपल, ये वाला जो हरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ये सेपल होता है, और ये पेटल होता है। ये सब जो है गुलाब की पंखुड़ियां, ये सब पेटल होती हैं। और ये स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक इसका क्या होता है, ये फिलामेंट होता है, इसका ये फिलामेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, एंथर। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ओबेरी। तीन पार्ट जो होते हैं वो होते हैं पिस्टिल के। ओबेरी के अंदर जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट है ओबेरी का, पार्ट ऑफ ओवरी क्या बियर करता है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, इनर पार्ट ऑफ ओवरी बियर करता है स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे ओव्यूल कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फ्लावर में कितने टाइप के होल होते हैं, तो चार टाइप के होल होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओबेरी। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाएंगे। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो स्टेमन पाया जाएगा या पिस्टिल पाया जाएगा। अब दोस्तों आप एक कंप्लीट फ्लावर के पार्ट देखिए चारों, ये क्या है, ये सेपल है, ये सेपल है, ये क्या है, ये पेटल है, पेटल है, ये स्टेमन है, स्टेमन है, स्टेमन है, स्टेमन में क्या, ये इसका एंथर है बताया है, ये इसका फिलामेंट है, फिलामेंट है, और ये वाला पार्ट पिस्टिल है, ये वाला पार्ट पिस्टिल है, पिस्टिल में भी ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टाइल है, स्टाइल है, ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी है, ओवरी है। तो दोस्तों आज हमने पार्ट सेकंड में फ्लावर तक पढ़ा है, पार्ट थर्ड हम कल डिस्कस करेंगे। यदि आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।